दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में अवैध खनन पर रोक के बावजूद अवैध खनन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, खनन कारोबारी लगातार अवैध तरीके से वालू की अवैध ढुलाई कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नालंदा एसपी अशोक मिश्रा के आदेश पर पुलिस अवैध खनन करने वाले बालू धंधेबाजों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जुट गई है। गुरुवार को दीपनगर थाना की पुलिस ने अवैध बालू लोड एक दर्जन ट्रैक्टर को जब्त करते हुए 12 चालक और मालिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोग पुलिस को फर्जी चालान दिखाकर चकमा देने का प्रयास कर रहे थे। उक्त चालान की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि वह गया जिले के श्री सत्य साई प्राइवेट लिमिटेड से गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया गया है और फर्जी चालान का इस्तेमाल धंधेबाज बालू ढुलाई में कर रहा था। दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बताया कि एक दर्जन बालू लोड ट्रैक्टर के साथ 12 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। गया की कंपनी का चालान दिखाकर धंधेबाज बालू ढुलाई कर रहा था। गिरफ्तार चालक और मालिक के अलावा गया की कंपनी पर भी केस दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि फर्जी चालान दिखाकर अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की जा रही थी, जिसका खुलासा नालंदा एसपी के दिशा निर्देशन में दीपनगर थाना अध्यक्ष के द्वारा किया गया और 12 मालिक तथा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि अवैध बालू का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिस पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में दीपनगर थाना की पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र से 12 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के साथ चालक और मालिक को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में दीपनगर थाना अध्यक्ष के द्वारा यह कार्रवाई की गई और पुलिस ने 12 बालू लदे ट्रैक्टर को चालक और मालिक के साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।